हेलो फ्रेंड्स, मोहिनी किचन में आपका स्वागत है। कोई भी पार्टी या फंक्शन हो, पालक पनीर सभी बहुत शौक से खाते हैं, तो आज मैं आपको रेस्टोरेंट की ट्रिक के साथ पालक पनीर बताऊंगी। तो मेरे वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं पालक पनीर। आज हम बनाएंगे पालक पनीर। तो इसके लिए लिया है मैंने ये आधा किलो पालक लिया था, इसे धोकर के साफ कर लिया है मैंने। इसकी डंडिया इस तरह से निकाल दी है, ये देखिए सारी डंडिया निकाल दी है। और ये धनिया लिया है, पनीर लिया है आधा किलो के लिए मैंने 300 ग्राम पनीर लिया है। और ये तीन टमाटर लिए हैं बड़े बड़े, और तीन ही प्याज लिए हैं बड़ी बड़ी, और ये तीन से चार हरी मिर्ची लिए हैं मैंने, इस तरह से काट लिया है इसे। और ये आधा कटोरी मैंने दही लिया है, ये भुना हुआ बेसन लिया है, ये लाल मिर्ची है सूखी, ये कुछ कली मैंने 5 से 6 कली लहसुन की ली है, और आधा इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, और ये चार हरी मिर्ची काट ली है मैंने बीच में से। तो चलिए हम आगे बनाते हैं। अब ये पानी हमारा उबल गया है, इसमें हम पालक को डाल देते हैं। पालक उबालने के लिए रख दिया है, इसमें एक उबाल आना है बस, ज्यादा हमने उबालना नहीं है इसे। ये देखिए पालक में उबाल आ गया, अब हम गैस बंद कर देते हैं। ये देखिए पालक हो गई है। अब इसे हम, ये मैंने फ्रिज का पानी लिया है बिल्कुल ठंडा, इसमें आइस डाल दी थी, बिल्कुल ठंडा है, तो इसमें हम निकाल के इसे डाल देंगे। इससे क्या होगा, इसकी कुकिंग यहीं की यहीं रुक जाएगी और ये हरा भरा एकदम बना रहेगा। अब इस कढ़ाई में डालेंगे हम 1 बड़ी चम्मच ऑयल, थोड़ा डालेंगे इसमें जीरा, डालेंगे इसमें अदरक, फिर डालेंगे लहसुन की कलियां, इन्हें हम थोड़ा भून लेते हैं। अब इसमें डालेंगे ये प्याज जो मैंने रफली काट लिए। अब इसमें डाल देते हैं ये टमाटर कटे हुए। अब इसमें 1 चम्मच पानी डाल के इसे पका लेते हैं थोड़ा सा। अब ये मसाला हमारा ठंडा हो गया, इसे हम पलट लेते हैं मिक्सी में। अब इसमें ये हरा धनिया, ये मैंने धो के साफ कर लिया था अच्छे से, इसे भी डाल ले रही हूँ। बहुत सारा धनिया लिया है मैंने। ये हरी मिर्ची 3 से 4 मैंने काट ली थी, इसे डाल लेते हैं। ये पालक भी ठंडा हो गया, इसे भी इसी में इसी के साथ पीस लेते हैं। ये देखिए पालक पीस गई है, कितना अच्छा कलर आया है इसका, ये देखिए बहुत अच्छा कलर आया है। वैसे हम बनाते हैं तो एकदम डार्क सा कलर हो जाता है, ज्यादा ग्रीन हो जाता है। अब हम बनाते हैं इसका मसाला। आधा कटोरी दही ले लिया मैंने, इसे फेंट लिया अच्छे से। अब इसमें ये बेसन डाल लेती हूँ 2 चम्मच, इसे मिक्स कर लेती हूँ। फिर हम पालक के मसाले में डालेंगे, तो इससे बहुत ही अच्छी पालक बनेगी और ये बहुत ज्यादा पतली भी रहेगी। जैसे पालक में से कभी कभार पानी सा निकल जाता है अलग अलग, वो नहीं होना, इससे बहुत अच्छा बनेगा। अब इसमें हम फिर से 1 से 2 चम्मच ऑयल डाल देते हैं। मैं सरसों का तेल यूज कर रही हूँ, आप कोई भी तेल ले सकते हैं। अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी डालेंगे घी, और ये सूखी लाल मिर्ची डाल देंगे इसमें, और साथ में ये हरी मिर्ची भी डाल देंगे, थोड़ी सी डालेंगे इसमें हल्दी, 1 चम्मच डालेंगे पिसा हुआ धनिया, आधा चम्मच डालेंगे लाल पिसी हुई मिर्ची। अब डालेंगे इसमें हम ये दही वाला बेसन, बेसन भुना हुआ है लेकिन दही के साथ फिर भी हम भून लेते हैं इसे। ये जो आप रेस्टोरेंट में पालक पनीर खाते हैं, ये बिल्कुल वैसा ही बनेगा, ये रेस्टोरेंट वालों का सीक्रेट है। अब डालेंगे इसमें पिसा हुआ पालक। अब डालेंगे इसमें 1 चम्मच नमक, ये स्वाद अनुसार हो, कुछ ऐसा अच्छा रहे, चीज खाते हैं तो थोड़ा ज्यादा डाल लीजिए। अब डालेंगे इसमें हम पनीर, थोड़ी देर पनीर डाल के फिर हम इसे पका लेते हैं। ये देखिए हमारी पालक पनीर बनकर के तैयार हो गई है, और ये बहुत ही टेस्टी बनी है, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी बनी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नई रेसिपी के साथ।